ओके तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेट इज़ न्यू चैप्टर, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले इसके बारे में बता देता हूँ कैसा चैप्टर है ये, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और जेई में इसका क्या वेटेज रहता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से। इसके कॉन्सेप्ट तुम्हें काफ़ी जगह पे लगेंगे और इस पे क्वेश्चंस जनरली नहीं आते हैं, उतने नहीं आते जितने आने चाहिए, नहीं आते हैं। फ्रिक्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बेसिकली अगर तुम्हें एनएलएम नहीं आता तो फ्रिक्शन नहीं आएगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अगर तुम्हें नहीं आता है तो फ्रिक्शन नहीं आएगा, और ये नहीं आएगा तो बाकी चैप्टर्स जिसमें कि फोर्स वगैरह से काम होता है, फोर्स बैलेंसिंग काम होता है, तो वो चैप्टर भी तुम्हें अच्छे तरीके से कमांड नहीं हो पाएगा। तो ये चैप्टर ओवरऑल इम्पॉर्टेंट है। पीछे के अगर चैप्टर से बात करें तो पीछे के चैप्टर से तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतना मैं ज़रूर बोल सकता हूँ। तो वेटेज के हिसाब से देखा था जेई में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, तो इस साल तो क्वेश्चन पूछा गया था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से। किसी किसी साल पूछा जाता है, किसी किसी साल नहीं पूछा जाता है, तो इसको मैं 50% के चांसेस पे बोल सकता हूँ कि इस नेक्स्ट ईयर इस पे क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, तो डेट चांसेस 50%। अब चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं कि ये चैप्टर है कैसा। तो इस चैप्टर में कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट और वेक्टर से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा होंगे। तो अगर किसी को वेक्टर लेना है, वेक्टर में प्रॉब्लम है, कंपोनेंट निकालने में खास करके प्रॉब्लम है, तो कंपोनेंट के क्वेश्चंस जाकर के तुम अटेम्प्ट करो वेक्टर्स में, और उसके बाद फिर तुम लोग एनएलएम स्टार्ट करो। नहीं अगर कंपोनेंट लेना आता है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट जैसे लेते हैं, अगर ये नहीं आता है तो तुम्हें एनएलएम नहीं हो पाएगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट लेना पड़ता है, फॉर्मूलेज बिल्कुल भी नहीं होगा, दो तीन फॉर्मूलेज बेसिक बेसिक होंगे। तो ये है हमारा चैप्टर। अगर तुम एससी वर्मा में देखोगे तो एक फोर्स करके चैप्टर है, उसके बाद फिर हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर है। तो फोर्स में बेसिक कॉन्सेप्ट बताए गए हैं और एनएलएम में एनएलएम वाले न्यूटन्स लॉज को एक्सप्लेन किया गया है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले मुझे फोर्सेस से डील करना पड़ेगा। तो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फोर्स क्या होता है। तो फर्स्ट थिंग इज फोर्स, बोलो फोर्स को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, क्या बोला जा सकता है फोर्स को, कोई एक्सप्लेनेशन याद आ रहा है तुम लोग को? हम लोग हमेशा डेली लाइफ में बोलते हैं फोर्स है, फोर्स है, इस पे फोर्स लग रहा है, उस पे फोर्स लग रहा है, लेकिन फोर्स का डेफिनेशन क्या है? तो किसी भी तरह का, किसी भी बॉडी के ऊपर किसी भी तरह का पुश या फिर पुल, मान लो कि हमारे पास एक बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर किसी भी तरह का पुश या फिर किसी भी तरह का पुल जो इसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने की टेंडेंसी रखता है या फिर चेंज करता है, दोनों बातें हैं, ठीक है, तो इसे फोर्स बोला जाएगा। लेट से एक ब्लॉक रख दिया जो कि वॉल से टिका करके रखा है और इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या इसके स्टेट को चेंज कर सकता है क्या ये फोर्स? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल चेंज नहीं कर पाएगा। तो मैं क्या इस फोर्स को डिफाइन नहीं कर पाऊंगा क्या? हाँ बिल्कुल डिफाइन कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये टेंडेंसी रखता है इसके स्टेट को चेंज करने की, या फिर कोशिश कर रहा है, मैं इतना भी जरूर बोल सकता हूँ। मान लो कि मेरे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है और नीचे है फ्रिक्शन, और जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा इसके ऊपर, तो छोटा सा फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में लग जाएगा और इसको रोक करके रखेगा, आगे मूव नहीं करने देगा। तो क्या ये फोर्स फोर्स नहीं कहलाएगा? कहलाएगा, लेकिन ये स्टेट को चेंज नहीं कर रहा है। तो मैं फोर्स को ऐसा बोल सकता हूँ, कोई भी ऐसा पुल या पुश जो कि किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज कराने की कोशिश कर रहा हो या फिर चेंज करा रहा हो, तो मैं उसको फोर्स बोलूँगा। तो डेफिनेशन में लिखता हूँ, ए पुल और पुश विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द
स्टेट ऑफ, चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। Or the direction of any object, or the direction of any object, मतलब कि स्टेट को चेंज कर रहा है। जैसे कि लेट से कि ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, लेकिन ब्लॉक के ऊपर मैंने फोर्स लगाया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका स्पीड तो चेंज नहीं होगा, लेकिन इसके मूवमेंट के डायरेक्शन को ये ज़रूर चेंज कर देगा ये फोर्स, है ना। तो ऐसा भी होता है कि फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगे, वो भी फोर्स ही कहलाएगा। तो फोर्स इज़ बेसिकली द इंट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स, ठीक है। ये क्या है हमारा, फोर्स इज़ बेसिकली इंट्रैक्शन बिटवीन between the object and the source। तो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और ये रस्सी से लगा करके खींच रहा हूँ कोई भी एक, तो ये सोर्स है। तो ऑब्जेक्ट और सोर्स के बीच में ये कनेक्शन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इस तरीके से हमारा डेफिनेशन हो जाएगा। अब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है तो क्या क्या वो करा सकता है, ठीक है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है तो वो उसकी स्पीड चेंज कर सकता है, इट मे चेंज द स्पीड, बिल्कुल सही। दूसरा, इट मे चेंज द वेलोसिटी, बिल्कुल सही। देखो, स्पीड चेंज होना और वेलोसिटी चेंज होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि स्पीड चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या है, या तो स्पीड या तो डायरेक्शन, दोनों में से कोई भी चीज़ चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे वेक्टर की बातें आ गई, तो वेलोसिटी में हमारे पास दो चीज़ें होती है, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में होता है, तो वो होता है हमारा सम मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। तो अगर तुम्हारा मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो भी वेलोसिटी चेंज होगा, और तुम्हारा अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो भी वेलोसिटी चेंज होगा। तो इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया। और अगर इस वाले केस की मैं बात करूँ पर्टिकुलरली, और ये एक हार्ड ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसके शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकता है, ठीक है। इट मे चेंज इट्स शेप एंड साइज। तो वैसे हम लोग यहाँ पे क्या डील करेंगे, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होगा जो कि अपने शेप एंड साइज को चेंज करेगा। सेंटर ऑफ मास में हम लोग एक बार थोड़ा सा देखेंगे कि हाँ, वो शेप कोलिजन के टाइम पे शेप एंड साइज चेंज कर रहा है। उसके बाद फिर कहीं पे भी हम लोग शेप एंड साइज को चेंज करते हुए नहीं देखते हैं। तो हम लोग ऐसा एज्यूम करेंगे कि शेप एंड साइज चेंज नहीं होगा, रिजिड ऑब्जेक्ट है, तो आरबीडी में हम लोग रिजिड एज्यूम करते हैं। अब इसके यूनिट की बात कर लेता हूँ मैं। क्या हो जाएगा यूनिट, न्यूटन इज द एसआई यूनिट, और इसको सिर्फ एन से डिनोट करते हैं। और न्यूटन होता कितना है, फोर्स इज इक्वल्स टू होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, तो केजी एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन, वन न्यूटन इज बेसिकली इक्वल्स टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होता है हमारा न्यूटन। ये का होता है हमारा एमकेएस यूनिट और सीजीएस यूनिट, दो तरह के यूनिट होते हैं। एमकेएस यूनिट, एमकेएस यूनिट क्या होता है, मीटर, के से किलोग्राम और एस से सेकंड।
सो दिस स्टैंड फॉर मीटर, दिस स्टैंड फॉर किलोग्राम एंड दिस स्टैंड फॉर सेकेंड. और दूसरा जो यूनिट होता है वो डेट इज सी जी एस यूनिट कहा जाता है. सी जी एस यूनिट, क्योंकि हर एक अलग अलग कंट्री में जो यूनिट्स हैं, जो डायमेंशंस हैं, वो अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं. कहीं पे पाउंड्स में मेज़रमेंट होता है और हम लोग में तो केजी में, ग्राम में मेज़रमेंट होता है, और किसी किसी जगह पे हमारा डायमेंशन अलग अलग होता है. तो दो तरह के यूनिट्स बने बेसिकली, एक सी जी एस यूनिट और एक एम के एस यूनिट. और इन दोनों यूनिट्स को ही हम लोग लेकर के ज़्यादातर डील करते हैं. तो कन्वर्जन भी हम लोग देखेंगे इसमें. सी जी एस यूनिट क्या हो जाएगा? सी जी एस यूनिट को मैं कन्वर्ट करूँगा सबसे पहले. तो जैसे यहाँ पे न्यूटन होता है, उसी तरीके से यहाँ पे होता है डाइन. ठीक है, सो दिस इज द सी जी एस यूनिट एंड न्यूटन इज द एम के एस यूनिट और द एसआई यूनिट. और कन्वर्जन, डाइन और न्यूटन में क्या रिलेशन है उसको हम लोग समझते हैं. तो जैसे कि मैंने बताया, फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मीटर, सॉरी मास इंटू एक्सेलरेशन. मास को अब मैं किस में लिखूँगा? ग्राम में. और एक्सेलरेशन को किस में लिखूँगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में. तो दिस इज वन डाइन, दिस इज वन डाइन. अब वन डाइन और वन न्यूटन में मुझे रिलेशन निकालना है. तो देखो कैसे कन्वर्जन करेंगे. वन न्यूटन इज बेसिकली इक्वल्स टू के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो मैंने क्या किया, के जी को कन्वर्ट किया ग्राम में, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा. और मीटर को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर. तो ये कितना आ जाएगा? 10^5 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर. और ये ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है? डाइन. डाइन. सो दिस इज रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन. ये याद रखेंगे हम लोग. सी जी एस यूनिट में हमारा डाइन आएगा आंसर, और एम के एस में न्यूटन. ज़्यादातर हम लोग एम के एस यूनिट से ही डील करते हैं, और एनर्जी के लिए भी हमारा अर्ग होता है, वो हम लोग वहाँ पे देखेंगे. तो ये कन्वर्जन हमेशा याद रखो कि किस तरीके से करते हैं, बाकी तुम्हें याद रखने की फिर कुछ ज़रूरत पड़ेगी नहीं. एक और यूनिट होता है, डेट इज़ किलोग्राम फोर्स, के जी एफ. किलोग्राम फोर्स ये भी एक यूनिट होता है, इसको हम लोग के जी एफ से डिनोट करते हैं. और ये पुराने सिस्टम में यूज़ किया जाता था, अभी तो ये फ़िलहाल बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता है, पुराने सिस्टम में यूज़ किया जाता था. तो ये के जी एफ जो होता है, डेट इज़ इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये क्या हो जाएगा? एफ फोर्स अपॉन जी. तो के जी एफ को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते थे, क्योंकि हर एक प्लैनेट का अलग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, तो उसके हिसाब से वहाँ पे वो कितना वेट शो करेगा वो हम लोग किलोग्राम फोर्स से मेज़र करते थे. बेसिकली अगर तुम ओल्ड स्टेशंस वगैरह जाओगे तो उस जगह पे एक वेइंग मशीन लगा हुआ होता है, बहुत पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, और इसके ऊपर चढ़ना होता है और 1 रुपये का कॉइन डालो इसमें, और वो तुम्हें वेट मेज़र करके बताता था. देखा क्या किसी ने? हाँ सर, है ना. और इसमें लाइट एलईडी वगैरह जलते रहते थे, और उससे एक टिकट बाहर निकलता. स्टेशन भी होता था ना? हाँ, उसी जगह पे उससे एक टिकट बाहर निकलता था, और उस टिकट में तुम्हारा वेट वगैरह हर एक चीज़ लिखा होता था, और भी बहुत सारे चीज़ होते थे. तो यहाँ पे जो वेट मेज़र किया जाता था वो के जी एफ में मेज़र किया जाता था, क्योंकि तुम जिसके ऊपर खड़े हो वो
अर्थ के ऊपर है, तो ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, और फिर स्प्रिंग वगैरह नीचे लगे होते हैं, उससे कॉम्प्रेशन वगैरह होता है, उससे पता चल जाता है कि हाँ कितना इसका वेट है। तो हम लोग आगे जा करके अच्छे से समझेंगे कि इसका फंक्शन वर्किंग कैसा है और स्प्रिंग वगैरह किस तरीके से काम करता है। वैसे तो ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा KGF। चलो आगे चलते हैं, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन देख लेते हैं। MLT-2 तो डायमेंशन आई थिंक कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो डायमेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। जहाँ पे भी होता है केजी, और केजी क्या है? मास हमारा, तो केजी मास है, इसका डायमेंशन कैपिटल एम होता है, और जिस जगह पे भी लेंथ यूज़ होता है उसका यूनिट होता है मीटर, लेकिन एल जो है वो होता है इसका डायमेंशन। टाइम, टाइम का क्या होता है यूनिट? सेकेंड। लेकिन इसका डायमेंशन क्या लेते हैं हम लोग? कैपिटल टी लेते हैं। तो अभी ये बेसिक डायमेंशंस है जो हम लोग यूज़ करेंगे। तो क्योंकि न्यूटन के बारे में देखा जाए तो 1 न्यूटन इज़ बेसिकली इक्वल्स टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg के जगह पे क्या लिखूंगा मैं? m, और मीटर के जगह पे क्या लिखूंगा? l डिवाइडेड बाय सेकेंड, सेकेंड का क्या लिखूंगा? t, तो t स्क्वायर हो जाएगा, और t स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा? MLT-2, और साइड में एक ब्रैकेट दे दो इस तरीके से। सो दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ फोर्स। बहुत ही बेसिक सा चीज़ है, निकालना बहुत ही आसान। तो ये सारे बेसिक बेसिक चीज़ें हो गए, अब हम लोग वापस फोर्स पे आते हैं। और फोर्स कितने तरह के होते हैं हमारे नेचर में, कौन कौन से फोर्सेस पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। और वो फोर्स अगर हमें पता चल जाएगा तो कौन से फोर्स से हमें डील करना है आगे हमें पता चलेगा। फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस, फोर्सेस टोटल 4 तरह के फोर्सेस होते हैं नेचर में जो पाए जाते हैं, और ये फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। और इन सभी फोर्सेस के कॉम्बिनेशन से ही जितना भी दुनिया में फोर्सेस हैं वो एग्जिस्ट करता है। जितने भी सारे फोर्सेस हैं सिर्फ इसी फोर्सेस के कारण से एग्जिस्ट कर रहा है, और इसका एग्जिस्टेंस ही हमारा एग्जिस्टेंस का रीज़न है। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम लोग एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो फंडामेंटल फोर्सेस को देखते हैं। सबसे पहला जो फंडामेंटल फोर्स है डेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग हमेशा डे टू डे लाइफ में देखते ही रहते हैं। क्या है ग्रेविटी? और अगर मैं अर्थ पे हूँ तो अर्थ मेरे ऊपर कंटिन्यूसली एक फोर्स लगा रहा है जिसको हम लोग फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, तो कैसा इसको डिफाइन किया गया? इफ देयर आर टू मासेस प्लेस्ड इन स्पेस एट अ डिस्टेंस ऑफ, सेंटेंस में बस बोल दे रहा हूँ, लिखाऊंगा नहीं, लिखूंगा नहीं यहाँ पे। तो कैसा सेंटेंस लिखा? इफ देयर आर टू मासेस M1 एंड M2 प्लेस्ड इन ए स्पेस एट ए डिस्टेंस ऑफ r बिटवीन देम, देन द फोर्स ऑन ईच मासेस इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, एंड दिस फोर्स इज गिवन बाय, दिस फोर्स इज गिवन बाय जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर। ग्रेविटेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय इसको और भी अच्छे तरीके से देखेंगे। यहाँ पे कोई काम नहीं है इस फोर्स का, हम लोग यूज़ भी नहीं करेंगे। सो दिस इज फोर्स।
और वेक्टर, सर हाँ वेक्टर फॉर्म में अगर इसको मैं देखूँ तो इसको F12 क्या लिखा है मैंने वो समझाता हूँ। F12 का मतलब है फोर्स ऑन पार्टिकल वन ड्यू टू सेकेंड पार्टिकल, ये इस तरीके से लिखा जाता है। अब इसको मैं एक वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे आर वेक्टर देना पड़ेगा, है कि नहीं? तो आर वेक्टर को हम लोग किस तरीके से देंगे, मान लो दिस इज आर वेक्टर, ये वाला ये डायरेक्शन है हमारा आर वेक्टर का, तो इस जगह पे एक आर कैप देना पड़ेगा। कैप क्यों? क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। समझ में आया क्या? बोलो किसी को कुछ डाउट? सर, तो फिर हम भी अर्थ को अट्रैक करते हैं ना, बिल्कुल। अनमैन तो फोर्स ऑन टू प्रेशर। ड्यू टू वन कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस ऑफ आर कैप मुझे देना पड़ेगा, ठीक है? ग्रेविटेशन चैप्टर एक अलग से ही चैप्टर है, उसमें हम लोग और भी इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये फोर्स निकलता कैसे है, फोर्स एक्सपेरिमेंटल ये लॉज हैं, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M2, एंड फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ये सारे चीज़ होते हैं और इसको कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद फिर एक जी हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नाम आता है। सर तो इसमें एक डाउट था बोलो क्या है? सर, आर स्क्वायर कैसे है, मतलब आर या आर क्यूब क्यों नहीं आया? ये क्या है, एक लॉज है, जब भी तुम्हें लॉ दिया जाता है तो वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट या फिर डेटा बेस्ड होता है, ये डिराइव्ड नहीं होता है। तो अगर उसने बोल दिया है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, दैट मीन्स होता है, उस पर कोई भी आर्गूमेंट नहीं किया जा सकता है। कहीं पे भी तुम इसका डेरिवेशन निकाल के देख लो तुम्हें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि लॉज के डेरिवेशन नहीं होते हैं। लॉज होता क्या है, वो सिर्फ रिलेशन को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। कोई सा भी लॉ तुम देख लो, अब तो पहले आया था ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का सिर्फ लॉ होता है मतलब कि ये रिलेशन होल्ड करता है और वो कैसे कैसे करके निकाला, उसके बाद फिर उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कि डेरिवेशन कैसे हुआ। जब बाद में बहुत साल बाद के बाद की बात कर रहा हूँ, जब साइंस डेवलप हो गया तो फिर उस रिलेशन को भी निकाला गया, जो कि हम लोग जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो उसका डेरिवेशन भी देखेंगे। लेकिन जिस समय ओम्स ने दिया था ये लॉ, उस समय वो डिराइव करके भी नहीं बताया था कि डेरिवेशन क्या है। तो लॉज हमेशा ऐसे ही होते हैं, ठीक है? कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगते क्यों है इसका भी कोई रीज़न नहीं है वैसे, हालांकि सर अलग ग्रेविटॉन नाम का पार्टिकल होता है वो एक्सचेंज होता है, वो उतना मैं क्वांटम लेवल में नहीं जाने वाला हूँ अभी। तुम्हारे लेवल के लिए बस सिंपल सा चीज़ है कि हाँ ये एक लॉ है और ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लगता है। क्लियर है क्या? तो जी का वैल्यू इस जगह पे कितना होगा, जी होता है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जी का सिक्स वैल्यू पॉइंट सिक्स सेवन इंटू 10 की पावर -11। 10^-11, और यूनिट वगैरह देखे तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर, ठीक है? सो ये जी का भी वैल्यू एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है, ऐसा नहीं कि कुछ भी चूज कर लिया, जी का वैल्यू एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया गया था और फिर उससे निकाला गया था। तो तुम्हारे NCERT या CBSE वाले कोर्स में इसका डेरिवेशन वो भी दे रखा हुआ, क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, वैक्यूम वाले चैम्बर में लेकर के दोनों साइड पोल रखा गया था, फिर यहाँ से टॉर्क कैलकुलेट करके वो सारी चीज़ें निकाला गया था। खैर अभी हमारे काम का चीज़ ने आगे बढ़ते हैं, तो ये फोर्स था, ठीक है? दिस इज फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी। अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। पहला जो है, ये जो फोर्स होता है हमारा लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, काफ़ी दूर दूर तक लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स, ये काफ़ी दूर दूर तक लगता है,
है ना, जैसे स्टार्स देख लो, स्टार्स और स्टार के बीच में, एक गैलेक्सी दो गैलेक्सी के बीच में कितना डिस्टेंस है पता होगा ना, एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी के चारों ओर सर्कुलर मोशन करता है इस तरीके से, जैसे स्टार्स एक दूसरे स्टार के और करते हैं। तो ये ग्रेविटेशन चैप्टर में और भी ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर हो सकता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। तीसरा, ये हमारा वीक फोर्स होता है, दिस इज द वीकेस्ट फोर्स, ये काफ़ी ज़्यादा वीक होता है। और क्या चीज़ है, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। ऐसा नहीं कि वैक्यूम में रखा हुआ है तो इस पर फोर्स एफ लग रहा है और उसी को मैंने पानी में डुबो दिया तो हमारा फोर्स चेंज हो गया, नहीं, ये हमारा मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ये हर एक मीडियम में सेम लगेगा। नेक्स्ट, दिस फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स, इज ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, जो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के सेंटर पे लगते हैं तो उसे हम लोग सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि ये कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। अब कंजर्वेटिव क्या होता है, ये वर्क पावर एनर्जी जब हम लोग पढ़ेंगे उस समय समझेंगे। सो दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। अभी के लिए इतना समझ लो, कंजर्वेटिव का मतलब इसके कारण से एनर्जी में लॉस नहीं होता है। जैसे किसी भी ब्लॉक को ऊपर उठा लो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आता है, और जैसे रिलीज करो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्रेविटी जो वर्क करता है उसके कारण से वो वापस से मिल भी जाता है। अब आगे चलते हैं हम लोग, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे है, अर्थ सरफेस पे है बिल्कुल, तो ये आर ई लिखा जाएगा, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा इस पर्सन के ऊपर नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा ग्रेविटी के कारण से, वो कितना होगा, जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। अगर मैं सारे वैल्यूज को पुट करूं, जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ द मैन, आदमी का मास स्मॉल एम है मैंने एज्यूम कर लिया, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। तो तुम्हारा इसमें ये वैल्यू तो कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे तुम किसी भी आदमी को उठा करके रख दो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट रख दो, ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाला है, और इसी वैल्यू को हम लोग जी बोलते हैं, इसी वैल्यू को हम लोग स्मॉल जी बोलते हैं, जिसको एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला जाता है। तो सो जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जब इसके सारे वैल्यूज पुट करें, जी का वैल्यू, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, दीज थिंग्स आर कॉन्स्टेंट, जो कि चेंज कभी नहीं हो सकता है, तो जी का वैल्यू निकल के आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग इतने दिनों से यूज़ करते आ रहे थे, और अप्रॉक्सीमेटली जी हम लोग 10 यूज़ कर लेते हैं कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए। तो ये हो गया हमारा जी। सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द मैन या फिर ऑब्जेक्ट। अब सोचो कि अगर कोई पर्सन उस अर्थ से कुछ पर्टिकुलर हाइट पे जाता है, कैपिटल एच हाइट या स्मॉल एच हाइट, कुछ हाइट पे जाता है, और दिस एच इज नॉट स्मॉल,
जैसे कि हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में अज्यूम करते थे कि जब भी, हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है ना? हाँ सर, आ रही है। हाँ, तो जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में अज्यूम करते थे कि हम लोग कोई भी बॉल को फेंक रहे हैं तो वो शॉर्ट रेंज होता था, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा हाइट तक नहीं जाता था। ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात है, और उसके लिए भी हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट एज्यूम करते थे। लेकिन अगर सोचो ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया, तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया तो जी का वैल्यू हमारा वेरी करने लग जाएगा। कैसे वेरी करेगा उसको समझते हैं। मान लो ये हमारा अर्थ है, और अर्थ से मैं काफ़ी ऊपर चला गया, इस जगह पे ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है, तो इस पे फोर्स लगेगा नीचे की डायरेक्शन में, और ये जो फोर्स होगा वो कितना होगा उसे मैं निकालता हूँ। लेट से दिस इज स्मॉल एच एंड दिस इज आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा, एफ इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर होता है। सो एफ विल बी इक्वल्स टू जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ द मैन डिवाइडेड बाय आर ई प्लस ऑफ स्मॉल एच का होल स्क्वायर होगा। मुझे इसको थोड़ा जी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ऐसा करता हूँ मैं आर स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेता हूँ, और इस आर ई को मैं इसके साथ रख लेता हूँ बराबर, और इसको मैं इसके साथ रख लेता हूँ। ऐसा तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो हमारा जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मास है एम, और ये मैं ऐसे लिखूँगा आर ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस ऑफ एच का होल स्क्वायर। सो दिस इज़ द फोर्स, ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला बनेगा, और इसको और थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में लाया जा सकता है। एम जी ले लो और आर ई को नीचे कर लो, तो वन डिवाइडेड बाय वन प्लस ऑफ एच डिवाइडेड बाय आर ई की पावर 2 है। और जब इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, वन प्लस एच अपॉन आर ई रेस्ट टू पावर -2। सो दिस इज द फोर्स। तो इस जगह पे फोर्स हमारा किस तरीके से चेंज होगा हाइट के साथ, वो हम लोग देख सकते हैं। जैसे जैसे मैं हाइट पे जाऊंगा तो फोर्स हमारा क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। तो जी का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, जी घटते जाएगा है घटेगा। ना, जी घटते जाएगा। अब जी की बात करता हूँ मैं, जी कैसे घट रहा है, ये चीज़ यहाँ से हम लोग यूज़ करते हैं, ये वाला टर्म। तो एफ इज इक्वल्स टू इस जगह से एम को साइड कर लो, जी इंटू वन प्लस एच अपॉन आर ई रेस्ट टू पावर -2, इसे बोला जाता है जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, एच हाइट पे जाने पे जी इंटू वन प्लस ऑफ एच अपॉन आर ई रेस्ट टू पावर -2। तो इधर से हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ता जाएगा जी जो होगा वो घटता जाएगा बराबर। तो इसीलिए थोड़ा हाइट के बाद ग्रेविटी एक्ट करना बंद कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इन्फिनिटी पे पहुंच गया, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल गया, किसी भी रॉकेट को लॉन्च किया वो अर्थ से दूर चला गया, स्पेस में चला गया, वहाँ पे ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रहा है। तो घटते 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 क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? सर हाँ बोलो। सर थोड़ा ऊपर करो सर, आर्क का रेडियस कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? आई थिंक कितना, 64,000 होता है ना, 6400 किलोमीटर या 64,000, देख लेना इसी के आसपास में होगा कुछ।
यही पूछना था क्या तुम्हें? ओके सर। हाँ सर, वो सर तो हाइट का हम आइडिया लोग, लेने का। अच्छा सर तो मीन्स हमेशा जी की वैल्यू 9.8 ही लेना होता होगा। हाँ, ऑलवेज हमें जी का वैल्यू 9.8 ही लेना है हमारे कैलकुलेशन पर्पस के लिए। सर आपने जो सर टाइम अब बोला है ना, अप्रोक्स हाँ अप्रोक्स 10 ले सर, सकते हैं ना? हाँ अप्रॉक्स 10 लेंगे, हमारे जितने भी अभी कैलकुलेशन होंगे अप्रॉक्स 10 लेंगे। जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है दैट इज 6400 किलोमीटर होता है, 6400। चलो अब आगे चलते हैं, ये सब हमारे काम का चीज़ नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हम लोग जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, तुम अगर सोच रहे हो कि ये चीज़ समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं दूसरे फोर्स की तरफ, डेट इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, एंड दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स, फंडामेंटल फोर्स। ठीक है, जो कि नेचर में पाया जाता है। इसमें दो फोर्सेस इंक्लूड किए गए हैं, अगर तुम ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में लिखा गया है इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक। इन दोनों को अलग-अलग क्यों नहीं लिया गया, इन दोनों को साथ-साथ क्यों लिया गया, है ना? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से फोर्स, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण से फोर्स। थोड़ा बहुत डिपेंडेंसी होगा इसलिए शायद। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उसमें होता है, ईएमएफ में, ईएम वेव जो होता है उसमें होता है। ये बेसिकली एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, या फिर बोलो एक दूसरे के चेंज जिस तरीके से होते हैं उस तरीके से ये एक दूसरे को म्यूचुअली इंड्यूस करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आगे जाके समझेंगे 12th में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चैप्टर है पूरा का पूरा, काफ़ी लेंदी चैप्टर है, और मैग्नेटिज्म भी एक चैप्टर है। तो उन दोनों चैप्टर में हम लोग इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे, उसमें समझ में आएगा। तो फिलहाल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से फोर्स लगता है और मैग्नेटिक फील्ड के कारण से फोर्स लगता है, और इन दोनों के कारण से फोर्स हमें नेट लेना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से फोर्सेस क्या होते हैं? लेट से एक चार्ज है इस जगह पे, दूसरा चार्ज है इस जगह पे, तो ये प्लस Q1 चार्ज और प्लस Q2 चार्ज, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, तो इस पे जो फोर्स लगता है वो F दिया जाता है, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। इस तरीके से कूलम्स फोर्स को गिवन होता है। तो ये है कूलम्स लॉ। ठीक है, इसके भी कोई डेरिवेशंस वगैरह नहीं है कि ये किस तरीके से आया है और चार्ज दूसरे चार्ज पे क्यों फोर्स लगाता है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो लॉज हैं, लॉज के बस चीज़ें होते हैं कि हाँ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स होता है कोई भी चार्ज पार्टिकल है जो कि वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में रखा गया है, तो इसके ऊपर फोर्स लगता है। ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लगता है, दिस इज द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। तो उसके कारण से भी फोर्स जो गिवन होता है, एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है। खैर वो सब हम लोग बाद में जानेंगे। तो ये फोर्सेस को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, और इसके नेचर को हम लोग देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज को। तो पहला ये है, दीज फोर्सेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर, इन नेचर। दूसरा, दीज आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस, लॉन्ग रेंज फोर्सेस,
लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से छोटा रेंज का है। हालांकि चार फंडामेंटल फोर्सेस है, चार फंडामेंटल फोर्सेस में ये दोनों को लॉन्ग रेंज फोर्स कहा जाता है जनरली। उसके बाद फिर हमारा ये मीडियम पे डिपेंड करता है। दीज फोर्सेस डिपेंड्स ऑन द मीडियम। ये मीडियम पे डिपेंड करता है, मतलब कि अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम में जा कर के देखोगे तो फोर्स उस पर कुछ और लगेगा, और वही अगर पूरे सिस्टम को तुम लिक्विड में ड्रॉप कर दो या फिर किसी भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में रख दोगे, कुछ भी, मतलब तुमने चेंज कर दिया, मीडियम को चेंज कर दिया, तो फिर उस पर जो फोर्सेस लगेंगे डेट विल बी डिफरेंट। तो ये मीडियम पे डिपेंड करता है। ये भी हमारा कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। सर थर्ड पॉइंट नहीं समझा। दीज आर कंजर्वेटिव इन नेचर, और ये भी सेंट्रल फोर्स होता है, आर ऑल्सो सेंट्रल फोर्सेस। ये थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया है कि डिपेंड्स ऑन द मीडियम, मतलब कि अगर ये दोनों चार्जेस Q1 और Q2 स्पेस में रखा गया है तो इस पे फोर्स लगेगा F1, लेकिन अगर इसी को तुम एक लिक्विड में ड्रॉप कर लो, वाटर में डाल दो पूरे सिस्टम को, तो इस पे फोर्स लगेगा F2 विच विल डिफरेंट फ्रॉम F1। बस इतना सा मतलब है, ठीक है। समझा। जितने भी सारे हमारे नेचर में फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे डे टू डे लाइफ में देखते हैं, ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ही होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए टेंशन, या फिर फ्रिक्शन, या फिर नॉर्मल, ये सभी जो फोर्सेस होते हैं ये इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। तो तुम सोच सकते हो जो हमारे सेल्स वगैरह हैं बॉन्डेड हैं, एक साथ कोलैप्स नहीं कर रहे हैं, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण से कोलैप्स नहीं कर रहे हैं, और इस फोर्सेस के कारण से वो बाइंडेड टुगेदर हैं, ठीक है। सो अगर कहीं पे भी टेंशन आएगा, टेंशन का नेचर क्या है, कौन सा फोर्स है ये, तो ये इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्सेस है। सर हाँ सर ये मस्कुलर फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आता है क्या? सारे सारे ये हो जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आ जाएंगे। और वैसे मस्कुलर फोर्स, कौन से फोर्स की बात कर रहे हो, जिम विम जो करते नहीं मतलब हैं? अभी हम नहीं खुद पे खुद से कोई ऑब्जेक्ट को पुल और पुश किए तो हाँ, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होगा। चलो अब आगे चलते हैं। सर, बट उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फिनोमेना नहीं हो रहा नहीं है नहीं ना? तुम गलत तरीके से समझ रहे हो इसको, कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए तभी फोर्स लगेगा। बेसिकली पार्टिकल्स का जो इंट्रैक्शन होता है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है। समझेंगे इसको हम लोग थोड़ा बाद में जाकर के समझेंगे, जब कांटेक्ट फोर्सेस वगैरह आएंगे तब और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा कैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर फोर्स। ओके सर, न्यूक्लियर फोर्स ये तीसरा हमारा नेचुरल फोर्स है, और ये किसी भी दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, मतलब इन सभी जितने भी फोर्स हम लोगों ने पढ़ा उन सभी में से ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। दूसरा, इट इज ए वेरी शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज फोर्स। बेसिकली कितना शॉर्ट है, ये एंगस्ट्रॉम में है। अगर तुम्हारा 10^-10 मीटर से जैसे ही डिस्टेंस बढ़ा हुआ, ये फोर्स इनएक्टिव हो जाएगा, लगेगा ही नहीं, ठीक है। और ये किसी भी न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है। दीज फोर्सेस एक्ट्स
बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। अब न्यूक्लियॉन्स होता क्या है हमारा, बोलो। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। हाँ, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को कलेक्टिवली हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। जब भी हम लोग एटम लेते हैं तो एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं उन सभी को हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, और ये अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। साथ ही साथ ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी फोर्स लगाता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में भी फोर्स लगता है, न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में भी फोर्स लगता है। तो ये बेसिकली हर एक पार्टिकल के बीच में जितने भी इंट्रैक्शन हो रहे हैं उसमें वो फोर्स लगाता है। ठीक है क्या? रेडियो एक्टिविटी, फिजन फिजन रिएक्शंस जो होते हैं वो इसी के कारण से होते हैं, क्योंकि अनबैलेंसिंग हो जाते हैं फोर्सेस, और फिर काफ़ी ज़्यादा वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं उसमें फोर्सेस अनबैलेंस हो जाते हैं, और फिर ये रिएक्शंस पॉसिबल हो पाते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि न्यूक्लियस जो हमारा स्टेबल हो पाता है वो भी इसी के कारण से ही पॉसिबल हो पाता है। ये चीज़ है। नेक्स्ट जो हमारा फोर्स है डेट इज़ द वीक फोर्स। सर बोलो। सर न्यूक्लियर फोर्स कैसे कैलकुलेट करें? फर्स्ट थिंग, हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमें जानना भी नहीं है, और इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए अलग से मेथड यूज़ किया जाता है, वो अलग सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, तो वो तो हमारे सिलेबस में है नहीं। बस इतना जान लो कि हाँ, ये जो फोर्स है इस बात पे डिपेंड करता है कि इसका स्पिन क्या है, सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में, उसके कारण से ये फोर्स और ज़्यादा मैग्नीट्यूड में बढ़ सकता है और ज़्यादा मैग्नीट्यूड में घट सकता है। ओके सर। नेक्स्ट इज वीक फोर्स। तो वीक फोर्स जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है तो ये वीकेस्ट फोर्स होता है, ये सबसे ज़्यादा वीक इन नेचर होता है। दिस फोर्स इज वीक इन नेचर, और दिस फोर्स इज ऑल्सो शॉर्ट रेंज फोर्स। दिस फोर्स इज ऑल्सो शॉर्ट रेंज फोर्स, और ये हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में लगते हैं। दिस फोर्सेस एक्ट्स बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे कि हमारे न्यूट्रॉन जो है कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन, और एंटी न्यूट्रोनो न्यूट्रोनो में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो सिर्फ इसी के कारण से हो पाता है, जिसमें कि ये हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे। बेसिकली ये समझ लो एक वीक फोर्स है जो किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में लगता है, और इसके लगने के कारण से चीज़ें कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर चेंजेस होते हैं। जैसे कि न्यूट्रॉन में अगर ये फोर्सेस वगैरह लगते हैं तो उसके कारण से ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रोनो या फिर न्यूट्रोनो में, कन्वर्जन पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ये काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स है, फर्मी लेवल पे ही डिटेक्ट हो पाता है, फर्मी लेवल पे डिटेक्ट हो पाता है। और अगर मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बोलूं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए, वन फर्मी लेवल के लिए, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो फोर्स हमारा निकल करके आता है वो होता है न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद फिर हमारा जो फोर्स निकल करके आता है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, उसके बाद फिर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसके बाद फिर होता है हमारा वीक फोर्स, और उसके बाद फिर होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। इवन ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमें ये भी नहीं पता है कि ये करेक्टली एक्ट करता है कि नहीं, क्योंकि जब हम लोग बहुत ही ज़्यादा छोटे लेवल पे चले जाते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता है, और कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर पाते हैं, बड़े लेवल के लिए देख पाते हैं, इवन बहुत ही बड़े लेवल के लिए भी नहीं हम लोग मेज़र कर पाते हैं,
जैसे कि ब्लैक होल वगैरह हो गया, उसके लिए जो एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला है वो वैलिड नहीं है, वो प्रूफ किया गया कि ये गलत आ रहे हैं इससे रिजल्ट। तो छोटे लेवल पे भी इसी तरीके से हम लोग इस पर नहीं लगा सकते हैं। कभी भी तुम लोगों ने नहीं देखा होगा कि न्यूक्लियॉन्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है और उसके बीच में मैं ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगाते हैं लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्स्ट्रा में नहीं लगाते हैं। तो बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है और इसके कारण से किस तरीके से बिहेवियर होता है, एक्ट किस तरीके से करता है, वो भी हमें अच्छे तरीके से अभी नहीं पता है। तो ये टोटल चार तरह के फोर्सेस हो गए जिसमें कि सारे नेचर के कारण से फोर्स हैं और सभी फोर्सेस किस किस तरीके से एक्ट करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो एक एक करके हम लोग हर एक चीज़ पढ़ेंगे, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, वो पूरा का पूरा चैप्टर ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण से फोर्स हम लोग 12th में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर कारण से फोर्स हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उसके कारण से होता क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे 12th में न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस में देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट हम लोग क्लासिफाई करना चाह रहे हैं। तो पहला होता है एक फील्ड फोर्स, फील्ड फोर्स में जैसे आ गया हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड के कारण से फोर्स। क्यों? क्योंकि देखो अगर हमारे पास अर्थ है तो अर्थ अपना एक स्पेस क्रिएट कर लेता है और इस स्पेस में कोई भी पार्टिकल आता है तो उस पर फोर्स लगता है, और अर्थ कभी भी इसके ऊपर रस्सी बांध करके फोर्स नहीं लगाता है, हवा में ही फोर्स लगाता है। तो ये एक ऐसा फोर्स है जो कि फील्ड एक क्रिएट कर लिया है और उस फील्ड में कोई भी पार्टिकल आएगा तो फोर्स लगेगा। जैसे कि कोई भी एक चार्ज पार्टिकल रख दो और ये क्या कर लेता है, एक फील्ड क्रिएट कर लेता है, कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा, नेगेटिव फोर्स आया, चार्ज आया तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा और वो इसके ऊपर खींचा चला जाएगा। तो बेसिकली ये हमारे फील्ड क्रिएट करता है, तो ऐसे तरह के फोर्सेस को हम लोग फील्ड फोर्सेस बोलते हैं, बहुत ही बेसिक है। नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स तो नाम सजेस्ट कर रहा है, कांटेक्ट में आने के कारण से जो फोर्सेस लगेंगे उसे हम लोग कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। कांटेक्ट फोर्स में पहला आता है हमारा नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स। तो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स उसे हम लोग नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। लेट से कि एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर कोई भी पर्सन इस तरीके से इसको धक्का दे रहा है, तो इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लगा वो इस डायरेक्शन में लगा और इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स या फिर नॉर्मल फोर्स। सो दिस इज नॉर्मल ऑन द ब्लॉक बाय द मैन। और ये नॉर्मल फोर्स किस तरीके से लगा तुम अगर ध्यान दो तो सबसे पहले कांटेक्ट किसके बीच में हुआ, उसके हाथ के बीच में हुआ। ये जो पाम है, पाम के साथ मॉलिकुल्स हैं और इस जगह पे ये सारे के सारे मॉलिकुल्स हैं, तो इसके साथ इंट्रैक्शन हो रहा है। तो ये इंट्रैक्शन कैसा है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। या फिर कोई भी ब्लॉक सिंपल सा रखा हुआ है टेबल पे, तो ब्लॉक के ऊपर और टेबल के ऊपर फोर्सेस लग रहा है। ब्लॉक के ऊपर टेबल ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगा रहा है और टेबल के ऊपर नीचे के डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लग रहा है, बराबर है, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस अप्लाई कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा नॉर्मल फोर्स होता है। तो किसी भी तरह का पुश होगा या फिर पुल होगा या फिर ये सारे फोर्सेस लगेंगे तो उसे हम लोग नॉर्मल फोर्स से रिप्रेजेंट करेंगे।
दूसरा होता है हमारा टेंशन, टेंशन फोर्स। टेंशन क्या है? अगर कोई भी ब्लॉक को मैं एक रस्सी से बांध दूं किसी भी ब्लॉक को मैंने रस्सी से बांध दिया तो रस्सी ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाएगा। रस्सी क्या करेगा? इसको ऊपर की डायरेक्शन में खींच के रखने की कोशिश करेगा। कैसे ये ऊपर की डायरेक्शन में खींचने की कोशिश कर रहा है? इसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं जनरली। सो दिस इज टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स नहीं बोलते हैं, सिर्फ टेंशन बोलते हैं। तो मैं रस्सी के मॉलिकुलर लेवल पे चल के जा करके देखता हूँ। मान लो एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने यहाँ पे, काफ़ी छोटा सा, और उस एलिमेंट को मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जा करके देख रहा हूँ, तो क्या होगा? मॉलिकुल्स होंगे ढेर सारे, और ढेर सारे मॉलिकुल्स क्या होंगे? आपस में बॉन्डेड हो गए, बॉन्ड बना करके रखा होगा, और ये मॉलिकुल्स इस तरीके से बॉन्ड बनाया हुआ होगा। तो जैसे ही तुमने इसके ऊपर एक ब्लॉक को अटैच किया तो ब्लॉक क्या करेगा? उसको नीचे की डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेगा। तो ब्लॉक ने लगाया इसके ऊपर नीचे की डायरेक्शन में फोर्स। अब क्योंकि ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बना हुआ है और ये ब्रेक नहीं कर रहा है, हम लोग ऐसा ज़ूम कर रहे हैं, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ऊपर की डायरेक्शन में, और नीचे वाला मॉलिक्यूल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अब क्योंकि ये नीचे मूव करने की टेंडेंसी रख रहा है तो ये वाला मॉलिक्यूल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और इस पे नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इस तरीके से ये फोर्स लगते चला जाएगा। तो तुम एक छोटा सा कट कर लो यहाँ पे, तो कट करने के बाद तुम्हें फोर्स का डायरेक्शन पता चलेगा। ये एक ऊपर वाला रस्सी और नीचे वाला रस्सी, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा उस मॉलिक्यूल पे नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा जो कि टेंशन होगा, और इस जगह पे जो मॉलिक्यूल होगा इस पे ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा जो कि टेंशन होगा। बराबर है क्या? तो ये जो हाँ सर, टेंशन है ये किसके बीच में इंट्रैक्शन के कारण से हुआ? मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन के कारण से हुआ। तो ये भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। लास्ट है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स तो ये जो है हमारे किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले कांटेक्ट में होने के कारण से लगने वाले फोर्स को हम लोग बोलते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल्स में जा करके पढ़ेंगे कि ये फोर्स लगता क्यों है। तो इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन जो है पीछे की डायरेक्शन में लगेगा, और क्योंकि ये आगे की डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा प्रेजेंट, और वो जो फ्रिक्शन होता है वो भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कम्प्लीटली इसके साथ पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे जाकर के मुझे पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा फ्रिक्शन लगता क्यों है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो क्या रहा है और किस तरीके से चीज़ें एक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग उस चैप्टर में जा करके पढ़ेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। तो अभी तक अगर तुम्हें कुछ भी ना समझ में आया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा वो बेकार चीज़ था, कोई भी हमारे काम का चीज़ नहीं है, आगे हमें कोई भी काम नहीं आने वाला है जो एनएलएम की बात कर रहा हूँ मैं। अभी से जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारे काम का चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फ्री बॉडी डायग्राम।